खरगोन जिले के महेश्वर तहसील कार्यालय में आज इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब नाजिर बलिराम सोलंकी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी नायब नाजिर बलिराम सोलंकी ने पटवारी हलका नंबर 48/60 तहसील महेश्वर तहसील में पदस्थ तत्कालीन पटवारी दिनेश पाटीदार से जाँच के लिए तहसीलदार के नाम से रिश्वत मांग रहा था। फरियादी पाटीदार को 8 जून को SDM ने आंधी तूफान से हुए सर्वे में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित किया था। जांच प्रतिवेदन को लेकर आरोपी नायब नाजिर तहसीलदार के नाम से 10,000 की मांग कर रहा था। रिश्वत के 5,000 रुपये पहले ही फरियादी पाटीदार को दे चुका था। तहसील कार्यालय में ही लोकायुक्त DSP प्रवीण सिंह बघेल की अगुवाई में ट्रेप की कार्रवाई की गई। पटवारी हलका नंबर 48 और 60 के पटवारी थे दिनेश पाटीदार, जिनको जो है जून में अपने कार्य में लापरवाही बरतने के एवज में जो है सस्पेंड कर दिया गया था, और सस्पेंशन के बाद इनकी विभागीय जांच संस्थित की गई SDM महेश्वर द्वारा, और उसका प्रतिवेदन 1 माह में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया गया था तहसीलदार महेश्वर को, किंतु आज दिनांक तक वो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके एवज में जो तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू है बलिराम सोलंकी जो नायब नाजिर है वहाँ, वो इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग तहसीलदार के नाम से कर रहे थे। तो 5,000 रुपये वो पहले ले चुका था। 12 तारीख को इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर और उसकी कंप्लेंट करी थी कि जो है इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्रतिवेदन को इनके हिसाब का भेजने के लिए मांगी जा रही है। इस पर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में जो है रिश्वत मांग संबंधी पुष्टि होने से ट्रैप दल का आज गठन किया गया था, और आज 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बलिराम सोलंकी जो नायब नाजिर है महेश्वर तहसील कार्यालय में पदस्थ, उनको उनके कार्यालय में ही पकड़ा गया है। उन्होंने रिश्वत राशि लेके अपने जो साइड में उनका तिजोरी लगी हुई है उसके दराज में रख ली थी, और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें तहसीलदार का नाम भी आया है, तो ये भी कोई जांच के दायरा है? हाँ बिल्कुल, ये भी जाँच का विषय है। तहसीलदार के नाम से ही वो रिश्वत ले रहा था, और आवेदक का भी कहना है कि जो है तहसीलदार द्वारा रिश्वत मांग की जा रही थी, तो ये अब आगे विवेचना का विषय रहेगा कि इसमें तहसीलदार की क्या भूमिका है। अगर इसमें जांच का विषय बनता तो सर तहसीलदार की जांच कौन करेगा? नहीं, ये तो हमारी विवेचना में होगा, अभी आगे उसमें पता लगेगा क्या चीज़ें, जो जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी वो उसमें विवेचना में आएंगी सभी। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।